विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ज्योतिष संबंधी एक अच्छा ज्ञान प्रदान करने हेतु अपना चैनल प्रारंभ कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिषी शिक्षा एवं आपके प्रश्नों का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। अगर आपको ये मेरे इस चैनल के माध्यम से सकारात्मक उत्तर मिलता है तो आपके प्रश्नों का समाधान मैं सकारात्मक रूप से देता रहूँगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषम प्रत्यक्ष नयन स्मृतम। ज्योतिष प्रत्यक्ष जो काल पुरुष के नेत्रों को कहा जाता है। जैसे हम इन चर्म चक्षुओं से संसार की सभी वस्तुओं को देखते हैं, इसी प्रकार से ज्योतिषीय चक्षुओं द्वारा हम प्रत्यक्ष प्रच्छन्न रूप में जो छिपे हुए वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं, वह ज्योतिष है। ज्योतिषम प्रत्यक्ष नयन स्मृतम सिद्धांत संहिता होरा रूपस्तम्भ त्रिवास्त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष कर्म सम। तो ज्योतिष के तीन अंग होते हैं, पहला सिद्धांत, दूसरा संहिता, तीसरा होरा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत खगोलीय जो घटनाएं हैं, भू इस प्रकार से ग्रहण का होना, ग्रहों का परिचालन होना एवं नक्षत्रों का विचरण करना, ये सारा खगोलीय ज्ञान वो सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है संहिता। संहिता यानी मेदिनीय ज्योतिष, यानी भूगर्भीय वस्तुओं का ज्ञान परिज्ञान करना, भूकंप होना, बरसात होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना और बाजार का उतार चढ़ाव होना आदि का ज्ञान संहिता ग्रंथों से किया जाता है, वह दूसरा भेद है। तीसरा है होरा। होरा का अर्थ होता है अहोरात, रात और दिन, यानी रात और दिन 24 घंटे जो सूर्य चंद्रमा अपनी अपनी धुरी पर गति के अनुसार परिभ्रमण करते हैं और रात और दिन का संचालन करते हैं, तो रात और दिन में प्राणियों के भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले सुख और दुख, इन दोनों का परिचालक होता है होरा शास्त्र। तो होरा शास्त्र का ज्ञान हम आज से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस ज्योतिषीय ज्ञान के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप जो है सो अपना परिज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। ज्योतिष में तीन अंग के अलावा 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र 12 राशियां और 7-9 ग्रह, इस प्रकार से इस तीनों का जो भ्रमण है वो ज्योतिषीय परिज्ञान कराता है। 27 नक्षत्रों में अश्विनी से लगा करके रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र होते हैं, राशियां होती हैं। प्रथम है मेष, दूसरी है वृष, तीसरी है मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी है सिंह और छठवीं है कन्या, सातवीं है तुला और आठवीं राशि का नाम है वृश्चिक, नौवीं राशि का नाम है धनु, दसवीं मकर, ग्यारहवीं कुंभ और बारहवीं मीन। इन राशियों का जो क्रम है वो क्रम जो है वो याद रखना चाहिए, जैसे मेघ ब्लैक मिथुन जो योग क्रम जो बताया उसी क्रम से ही याद करना चाहिए। इन राशियों के स्वामी होते हैं तो मेष और वृश्चिक, इन दो राशियों का स्वामी मंगल होता है और वृषभ और तुला इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र होता है और मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों का स्वामी बुध होता है और कर्क का स्वामी चंद्रमा और सिंह का स्वामी सूर्य
और धनु और मीन इन दोनों राशियों का स्वामी गुरु होता है, और मकर और कुंभ इन दोनों राशियों का स्वामी शनि होता है। इस प्रकार से इन राशियों का क्रम बताया है, आपको क्रम से राशियां याद करना चाहिए और राशियों का स्वभाव स्वरूप हम आगे बताते रहेंगे। मेरा नाम पंडित गौरीशंकर शास्त्री है, मैं आज से ज्योतिष का ये चैनल प्रारंभ करता हूँ। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आपका स्वागत है। हरिओम।